नमस्कार दोस्तों, आपका मेरे चैनल स्वाद की टोकरी में बहुत बहुत स्वागत है। आज मैं एक चटपटे नाश्ते की रेसिपी लेकर आई हूँ। ये ऊपर से बहुत ही क्रिस्पी और अंदर से सॉफ्ट बनकर तैयार होता है। तो चलिए नाश्ता बनाना शुरू करते हैं। लेकिन इससे पहले, अगर आपने मेरे चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन का बटन ज़रूर दबाएँ, जिससे कि मेरी आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिलता रहे। तो सबसे पहले मैंने यहाँ पर एक कढ़ाई में एक छोटा चम्मच तेल को गर्म किया है और इसमें हमने थोड़ा सा सरसों के दाने और जीरा लिया है। इसे हम चटकने देंगे। उसके बाद एक छोटे साइज के प्याज को बारीक काट कर लेंगे और कुछ हरी मिर्च को बारीक टुकड़ों में काट कर ले लेंगे। आप मिर्च अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग ले लें। हम ट्रांसपेरेंट होने तक भूनेंगे। उसके बाद इसमें हमने डाला है थोड़ा सा मटर, और मटर को पकने के लिए हमने इसमें डाल दिया है थोड़ा सा नमक, 2 पिंच हल्दी और आधी छोटी चम्मच लेंगे धनिया पाउडर, और इन सब चीज़ों को हम भून देंगे। मसाले अच्छी तरह से भून चुके हैं। अब मैं ले रही हूँ यहाँ पर 2 मीडियम साइज के उबले हुए आलू। इसे हमने मैश करके लिया है। अब इन्हें भी हम डाल देंगे और इसे भी थोड़ा सा भून लेंगे। उसके बाद मैं डाल रही हूँ यहाँ पे 1 छोटा चम्मच आमचूर पाउडर और आधी छोटी चम्मच गरम मसाला। इन्हें डालकर हम भून लेंगे। और मैंने पहले भी नमक थोड़ा सा डाला था, तो थोड़ा सा नमक हम ऐड और कर देंगे और इन्हें हम अच्छी तरह से भून लेंगे। ये आलू भूनकर अब तैयार हो गया है। अब मैं यहाँ पर डाल रही हूँ थोड़ा सा फ्रेश हरा धनिया। ये मसाले हमारे बिल्कुल अब तैयार हैं। आगे का प्रोसेस करते हैं। एक पैन हमने लिया है, यहाँ पर हमने लिया है 1 कटोरी पानी। पानी में हम थोड़ा सा नमक डालेंगे और मैंने डाला है यहाँ पर बहुत हल्का सा तेल या घी, आप डाल सकते हैं। और इन्हें हम उबलने तक वेट करेंगे। ये पानी में अच्छा सा उबाल आ गया है। और मैं ले रही हूँ यहाँ पर रवा यानी सूजी, और मैंने जिस कटोरी से पानी लिया था उसी कटोरी से आधी कटोरी हम यहाँ सूजी ले रहे हैं। और इन्हें हम धीरे धीरे डालते हुए मिक्स करेंगे, और ध्यान रहे गैस का फ्लेम लो हो, और इन्हें हम कंटिन्यू चलाते हुए मिलाएंगे, और ध्यान रहे इसमें लम्स ना पड़े। ये देखिए सूजी बहुत ही जल्दी पककर तैयार हो जाता है, और इन्हें हम कंटिन्यू चलाते हुए मिलाएंगे। ये पानी अच्छी तरह से सूख गया है और इन्हें हमें डो फॉर्म में तैयार करना है। ये देखिए अब ये बिल्कुल तैयार हो गया। अब मैं गैस का फ्लेम बंद कर दूंगी और इन्हें ढककर 5 मिनट के लिए हम रेस्ट करने देंगे। अब ये हमने सूजी को निकाल लिया है। ये बिल्कुल ठंडा नहीं है, हल्का सा गर्म ही है। हाथों में तेल लगा करके हम अच्छी तरह से इसे मैश कर लेंगे। बहुत अच्छी तरह से हमें इन्हें गूंदना है ताकि इसमें क्रैक्स ना हो। अब हम इनके छोटे छोटे बॉल बना लेंगे। आप जिस साइज का बनाना चाहते हो, मैं देखिए इस साइज का बॉल बना रही हूँ। इसी तरह से हम सारे डो का बॉल तैयार कर लेंगे और इसमें क्रैक्स ना हो, अच्छी तरह से हमें इसे मिक्स करना है। ये बॉल तैयार हो गया है। अब ये जो हमने मसाले तैयार किए थे आलू वाले, अब इनके हमने छोटे छोटे बॉल बनाकर तैयार कर लिए हैं। और ये इस तरह से सूजी वाले बॉल को मैंने बना लिया था, और इसमें देखिए इस तरह से हम फिल करेंगे। इस तरह से हम इनमें भर करके बहुत चिकना सा बॉल बनाकर तैयार कर लेंगे। आप शेप अपने पसंद के हिसाब से भी बना सकते हैं। ये देखिए इस तरह से आप कटोरी बना करके भी, जिस तरह से आप आलू के पराठे वगैरह बनाते हैं उस तरह से भी आप इसे भर सकते हैं। आपको जो तरीका पसंद आए आप वो यूज़ करिए, और ध्यान रहे इसमें कोई भी क्रैक्स ना हो। अब मैं इसे, ये सारे बॉल हमारे तैयार हो गए हैं, अब मैं इसे डीप फ्राई करूँगी। तेल को हमें अच्छा गर्म करना है और गैस का फ्लेम हमें हाई रखना है। और एक बार आपके बर्तन में जितना आए आप उतना ही डालें, ज़्यादा ना भर दें। ये देखिए थोड़ी देर बाद हमने इसे हिलाते हुए तल लेना है। और हमने यहाँ पे डार्क गोल्डन कलर का किया हुआ है।
आप अपने पसंद के हिसाब से लाइट गोल्डन भी रख सकते हैं। ये देखिए कितना अच्छा नाश्ता बनकर तैयार हुआ है। ये खाने में बहुत ही चटपटा है। आप इसे चाय, सॉस या फिर चटनी किसी चीज़ के साथ भी इसे सर्व कर सकते हैं। तो दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आए तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा।